सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड ऑफ रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैफ, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ रिव्यू की एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी के एक और नए मोबाइल फ़ोन के जिसका नाम है रेडमी नोट 9 प्रो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की, फंक्शंस की एंड क्या है इसका प्राइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को नीचे ला करके बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने रेडमी नोट 9 प्रो का बॉक्स, 4+64GB वाला वेरिएंट। बॉक्स से पीछे है कुछ हाइलाइटिंग फीचर जैसे 720G प्रोसेसर, 48MP क्वाड कैमरा, 6.6 इंचेस फुल HD डिस्प्ले, 5020mAh बैटरी एंड सो ऑन। फ्रेंड, जैसे ही ओपन करते हैं हम हमारे बॉक्स को, बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले एक सिम इजेक्टिंग टूल, उसी के साथ ही में हमको देखने को मिलेगा कुछ पेपर वर्क एंड वारंटी कार्ड्स, एंड हमें पॉलिथीन के अंदर एक देखने को मिलेगा ब्लैक कलर में एक सॉफ्ट सा सिलिकॉन केस। सो फ्रेंड्स, जैसे उसी के नीचे हमें देखने को मिलेगा हमारा मेन मोबाइल फ़ोन ब्लू कलर में एंड एक USB टाइप सी केबल, एंड फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगा रेडमी का 18W का फास्ट चार्जर। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे बॉक्स कंटेंट, अब बात करते हैं हमारे मेन मोबाइल फ़ोन की। सो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले बूट कर लेते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन को। एंड फ्रेंड, जब तक हमारा मोबाइल फ़ोन बूट हो रहा है तब तक हम बात करते हैं फ़ोन के फिज़िकल ओवरव्यू की। तो फ्रेंड, बात की जाए फ़ोन के फिज़िकल ओवरव्यू की, तो पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा 48MP का क्वाड कैमरा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 48MP +8MP +5MP +2MP के चार रियर कैमरे। उसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा फ्लैश विद ग्लास पैनल जो कि प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास 5 से। एंड नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा रेडमी की ब्रांडिंग। फ़ोन के राइट साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पावर ऑन ऑफ बटन कम फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब कि इसके अंदर आपको पावर ऑन ऑफ बटन एंड फिंगरप्रिंट सेंसर एक ही देखने को मिलेगा। फ़ोन के नीचे की तरफ की बात की जाए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको स्पीकर ग्लेस, सेकेंडरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm जैक। फ़ोन के लेफ्ट साइड ब्लू प्लेन है एक्सेप्टिंग सिम ट्रे। फ़ोन के ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 2 प्राइमरी नॉइस कंसोलेशन माइक्स। एंड फ्रेंड्स, इसकी सिम ट्रे के अंदर आप 2 सिम कार्ड एंड 1 मेमोरी कार्ड एक ही साथ कर सकते हैं यूज़। एंड फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फोन के डिस्प्ले की तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पंचुअल डिस्प्ले जिसका साइज़ है 6.67 इंचेस की फुल HD IPS LCD विद 16MP सेल्फी कैमरा। बात की जाए अगर इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है पर थोड़ा सा स्लो है। एंड फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस फोन के प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं वो भी बिना किसी रुकावट के। एंड फ्रेंड्स, गेमिंग के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है इस फ़ोन की बैटरी, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 5020mAh की बैटरी जो देगी आपको 2 डेज तक का बैटरी बैकअप। एंड फ्रेंड्स, की जो बैटरी है वो 80 मिनट्स के अंदर अंदर 0% से 100% तक हो जाएगी चार्ज। एंड फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस फोन के वेरिएंट की तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 4+64GB वाला वेरिएंट विथ 3 कलर ऑरोरा ब्लू, ग्लेशियर वाइट, इंटरस्टेलर ब्लैक। एंड फ्रेंड्स, का जो प्राइस है वो है करीब 12,999 रुपीज़। एंड फ्रेंड्स, अगर अब बात की जाए इस फोन के मेन हाइलाइटिंग फीचर की जो है इसका 48MP का क्वाड कैमरा। तो फ्रेंड्स, की जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे इनकी मदद से आप काफ़ी बढ़िया फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं भी इस फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ एंड जो हमारी फ़ोटो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आ रही है। एंड फ्रेंड्स, साथ ही में इसके अंदर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को भी मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, का जो कैमरा का सेटअप है वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस समय जो आप भी इमेजेस अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारी की सारी इमेजेस इसी फ़ोन के कैमरे से खींची गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पूरी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू रेडमी नोट 9 प्रो की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी ऐसे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड फ्रेंड्स, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें, हमारी इंस्टाग्राम ID आपको वीडियो के नीचे दिख रही होगी।